अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ होम बाय नफीसा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बिल्कुल फ्रेश और इंस्टेंट बनने वाला नारियल लड्डू। और ये सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो जाएगा आपका नारियल लड्डू, और सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट से बना है। तो बहुत ही टेस्टी एकदम हलवाई वाला नारियल लड्डू चलिए बनाते हैं, वो भी सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट्स से। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है इसके इन्ग्रीडियंट्स और कैसे बनेगा नारियल का लड्डू। तो 10 मिनट में लड्डू रेडी करने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, वैसे देसी घी में जो है लड्डू का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल लिया है, और मैंने ले लिया है 100 ग्राम नारियल। तो इसको अगर आपको ये नहीं मिले तो आप जो मार्केट में नारियल आता है उसे भी ग्राइंडर में पीस के ऐसे पाउडर बना सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंडर में चला दिया था, तो ये अच्छे से पाउडर बन गया है। और इसको जो है हम एकदम लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, ताकि नारियल जो है अच्छे से भुन जाए। जब आप नारियल भूनते हैं ना, तो आपको नारियल भूनते टाइम एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी नारियल की, तो बस समझ जाइए कि उसी टाइम आपका नारियल जो है अच्छे से भुन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर नारियल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है, और अब मैं डालूँगी इसमें 1 कप दूध। तो जी हाँ, ये दूसरा इन्ग्रीडियंट जो है वो दूध है, क्योंकि दूध जो है डाल देने से लड्डू जो है वो एकदम सॉफ्ट बनते हैं, बहुत हार्ड नहीं बनता है। अगर आप दूध नहीं डालेंगे और डायरेक्ट चीनी या फिर जिसका भी आप चाशनी बना रहे हैं अगर उससे डायरेक्ट बनाते हैं तो लड्डू थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने दूध डाला है, और दूध डालने के बाद इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक तेज़ आँच पर ऐसे ही पकाएँगे। तो यहाँ देखिए, तुरंत से दूध जो है वो सोख हो गया, नारियल पूरा सोख लिया है, और इसको अच्छे से हम और भून लेंगे दूध के साथ, कि थोड़ा भी दूध इसमें हो नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ बिल्कुल अच्छे से सूख गया दूध। अब इसी टाइम डालेंगे हम ये मिल्क मेड। तो मैंने यहाँ पर मिल्क मेड ले लिया है जो कि 200 ग्राम का है, लेकिन मैंने नारियल का पाउडर जो है वो 100 ग्राम लिया था, इसलिए हम हाफ मिल्क मेड इसमें डालेंगे। और मिल्क मेड डालकर भी हम अच्छे से इसको मिला देंगे, ताकि मिल्क मेड जो है वो पूरे नारियल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे हमें 1.5 मिनट तक ऐसे ही तेज़ आँच पर सुखाना है, ताकि मिल्क मेड अच्छे से सूख जाए और लड्डू बनाने में फिर आसानी हो जाए, क्योंकि इतना गीला रहेगा तो अच्छे से लड्डू नहीं बनेंगे। तो बस यहाँ पर जो है रेडी हो गया है ये पूरा नारियल का पेस्ट जो लड्डू बनाने के लिए, और इसको मैं गैस ऑफ करके साइड में प्लेट में निकाल के रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर मैं आराम से इसके लड्डू बना लूँ। तो गाइस, ये सिर्फ 3 इन्ग्रीडियंट से बना, दूध, नारियल पाउडर और मिल्क मेड, और बस ये 3 चीज़ों से ही ना इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई वाले नारियल के लड्डू के जैसा आता है। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है कि मतलब मज़ा आ जाता है, मुंह में एकदम घुल जाएगा ये लड्डू। तो अब यहाँ ये मिक्सचर ठंडा हो गया है, और अब मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ येलो कलर का फूड कलर, और मुझे येलो कलर का लड्डू बनाना था इसलिए मैंने येलो कलर डाला है। ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से, आप या तो कलर डाल भी सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए, और अब बस छोटे छोटे मैं इसमें से मिक्सचर लूँगी, और उसके बाद इसे अच्छे से हाथों में पूरी तरीके से घुमाऊँगी, ताकि एकदम लड्डू वाला राउंड शेप ले ले। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर नारियल का पाउडर रखा है उसमें मैं लड्डू को ऊपर नीचे हर तरह से घुमा दूँगी, ताकि ये जो इसका पाउडर रखा है वो अच्छे से नारियल के ऊपर लग जाए। तो बिल्कुल रेडी हो गया है नारियल का एकदम टेस्टी वाला इंस्टेंट नारियल लड्डू। एकदम इंस्टेंट नारियल लड्डू है, कोई भी गेस्ट आने के लिए फ़ोन भी कर देना तो भी आपका 10 मिनट में ये लड्डू बनके रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल एकदम हलवाई जैसे ये 10 मिनट में इंस्टेंट नारियल लड्डू बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये नारियल लड्डू की रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। Thank you.